सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल कलाम सेल रिसर्च में। अपने जो आज जीके और शिक्षा मनोविज्ञान का जो एग्जाम हुआ है उसके आंसर की लेकर आए। सबसे पहले आपके सामने आंसर की है, अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, सीधा मैं आंसर बताऊंगा आपको और अपना क्वेश्चन को जल्दी से आप मिलान कर लीजिएगा। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? तो पहले क्या हो जाएगा, जोधपुर और जयपुर हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सम्मिलित नहीं था? तो फुटबॉल हो जाएगा आपका, जो फुटबॉल है ना वो सम्मिलित नहीं था। आगे देखिएगा, हाँ जी, तीन नंबर क्वेश्चन है मित्रों, महाअगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था? मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त था ना वो आपका श्री मधुकर गुप्ता था। कौन था? श्री मधुकर गुप्ता आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हाँ जी, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा दो नंबर, दुर्गा मोवाल एवं सुनीता गुलाटी आपका राइट आंसर होगा। पाँच नंबर देखिएगा, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत करी थी? तो आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, छः नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपके स्क्रीन के ऊपर, हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, छः के नंबर क्वेश्चन का मित्रों आपका हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों कम समय के लिए अपन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा देख लीजिएगा अपने, हाँ जी। सात नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSE क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला सड़क में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सात नंबर क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। क्या होगा? करौली होगा। आठ नंबर की देखिएगा, राजस्थान की मुख्य नदी हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो आपका राइट आंसर होगा 5 करोड़। कितना होगा? 5 करोड़। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ जी। नौ नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, हाँ जी, देखिएगा नौ नंबर क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का समूह है, हाँ जी। नौ नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, हाँ जी, 800 करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 800 करोड़ हो जाएगा आपका। आगे बढ़ रहे हैं, दस नंबर क्वेश्चन तरफ देखिएगा, दस नंबर क्वेश्चन है मित्रों, हाँ जी, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की थी? तो राजस्थान जो नई ये है, हाँ जी, इसको थोड़ा आगे बाद में देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुल्लिकट झील स्थित है, पुल्लिकट झील मित्रों कहाँ है? पुल्लिकट झील आपकी तमिलनाडु में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी मित्रों? तमिलनाडु में हो जाएगी आपकी पुल्लिकट झील, जी। 12 नंबर देखिएगा, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक भूमि वाला राज्य हो जाएगा आपका मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। आगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा, देखिएगा दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, 10 मिनट में सारे आंसर करवा दूंगा आपको, हाँ जी। 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका जो नाथुला दर्रा जो है ना, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में, कहाँ पे है? सिक्किम में दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम, तो मौसिनराम कहाँ हो जाएगा? मौसिनराम आपका मेघालय में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मेघालय में हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेलाडेला की खाल कहाँ पे है? बेलाडेला की खान हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो जाएगी? छत्तीसगढ़ में हो जाएगी दोस्तों। और 16 नंबर देखेगा, ध्वनि तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है, तो डेसीबल इकाई है। कौन सी है? डेसीबल। आगे देखिए, काल बैसाखी, तो काल बैसाखी हो जाएगा मित्रों पश्चिम बंगाल से। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल से, हाँ जी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा WJ रैली। क्या हो जाएगा? WJ रैली आपका राइट आंसर हो जाएगा, WJ रैली, हाँ जी। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसका हो जाएगा 19.8% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19.8% हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, हाँ जी, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका एक नंबर। क्या होगा? एक नंबर हो जाएगा। उद्योगों पर सरकार का आंशिक स्वामित्व होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जी, 21 नंबर, डॉल्फिन कटक स्थित है, डॉल्फिन कटक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है मित्रों? अटलांटिक महासागर में है डॉल्फिन कटक है। एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिएगा, अशो अक्षांश संबंधित है, पवनों में है। कहाँ पर है? पवनों में आपका। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, हाँ जी, 23 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, 23 नंबर अब चलते हैं सीधे 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपके सामने, हाँ जी, देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। 26 नंबर 2021-22 की प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 27 का मेक इन इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेक इन इंडियन हो जाएगा। क्वेश्चन को आप पढ़ लेना दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन तरफ देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का समूह है आपके सामने। 28 नंबर, 29, 33 नंबर चलते हैं दोस्तों सीधा, इनको जो बच रहे हैं ना इनको अंतिम में देख लेंगे दोस्तों, है ना। अब देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में ऐसे किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो कौन सी शब्दावली का उल्लेख नहीं किया? शिक्षा,
सहायता, इसका उल्लेख है आपके नहीं किया गया। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ना, हाँ जी, वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। 34 क्वेश्चन का देखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? भारत है ना, निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? वाजनर समूह। दोस्तों, वाजनर समूह का भारत सदस्य नहीं है। आगे देखिएगा। हाँ जी, 36 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया? प्रधानमंत्री का जो उल्लेख किया गया ना, 74, 75 और 78 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 74, 75 और 78 में हो जाएगा मित्रों। हाँ जी, आगे देख रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा पूछी जा रही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों किसकी शाखा है? हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान हो जाएगा। व्यवहारात्मक मनोविज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, 42 का जो राइट आंसर होगा, कौन सा विकल्प वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो 42 का राइट आंसर होगा दो नंबर। क्या होगा? दो नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 देखिएगा दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो विकल्प आपका सही नहीं है ना, वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका दो नंबर। क्या हो जाएगा? दो नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, 44 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका, हाँ जी, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। आगे देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है, हमें कक्षा में अधिकार विशेष निर्धारित करने वाला थांडे का कौन सा योगदान है? थांडे का कौन सा योगदान हो जाएगा? हाँ जी, प्रभाव का नियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रभाव का नियम हो जाएगा। आगे देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। 46 का जो आंसर होगा ना, वो होगा द्विपार्षिक अधि गमनांतरण हो जाएगा। द्विपार्षिक अधि गमनांतरण हो जाएगा। 203 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 43 का। आगे बढ़ रहे हैं। 47 नंबर, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? कौन सा वाक्य सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। ठीक है साहब, विकास क्रमबद्ध होता है, इसमें नहीं पूछा गया। तो आपको 47 का हो जाएगा आंसर दो नंबर। 48 का देखिएगा, 48 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो हो जाएगा, निम्न में कौन सा विकल्प साचार्य अधिगम उदाहरण नहीं है? तो इसको अंतिम में देखते हैं दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, 49 नंबर मित्रों, गार्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विकास को पहचान करना चाहते हैं, तो निम्न विकल्पों में से किस विशेषज्ञ को अनदेखा करेगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा गौण विशेषज्ञ। क्या हो जाएगा? गौण विशेषक हो जाएगा आपका राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो रहा है मित्रों, क्या होगा? हाँ जी, इसको राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संवेगात्मक आपकी वृद्धि हो जाएगी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, 51 नंबर का जो राइट आंसर हो रहा है, वो हो जाएगा आपका एक नंबर। 16 व्यक्तित्व घटव परीक्षण हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 52 में है हिपोक्रेटिस द्वारा वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें मित्रों क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विषादग्रस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषादग्रस्त कहते हैं। 3 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन की देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो रहा है मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा, हाँ जी, अपनेपन की आवश्यकता। दोस्तों, इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, 54 नंबर का जो राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा आपका, हाँ जी, 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 नंबर। अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। तो आपका 54 का 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 55 देखिएगा मित्रों, निम्न विकल्प में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह है, तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया? तो नहीं किया गया पूछा जा रहा है आपसे। तो 55 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मूल संबंधी तत्व हो जाएंगे आपका। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ जी, 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है ना आपके सामने, हाँ जी, वो हो जाएगा सामान्य संभाव्यता वक्र हो जाएगा। सामान्य संभाव्यता वक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, 57 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो रहा है, वो हो जाएगा आपका दो नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो नंबर। निम्न से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी को उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? तो अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। 57 का क्या आंसर हो रहा है? दो नंबर आंसर आपका 57 का हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 58 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा एक नंबर। आंतरिक रूप से नियंत्रित सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला। तो एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी,
59 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी की आत्म क्षमता में बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा, तो बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा, तो आपका आंसर होगा 4 नंबर, विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल की सहायता को देना है। तो 59 का आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी 60 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो यदि एक छात्र है इसको पूरा पढ़ने में टाइम लगेगा, तो अब इसका आंसर बता देता हूँ सीधा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, यह उसकी अभिक्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो 60 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा आपका सही। हाँ जी 61 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपके बहुत अच्छे, हाँ जी क्वेश्चन देखिएगा, चोकला नस्ल है भेड़ की है, चोकला किसकी है, भेड़ की है। राजस्थान 2011 जनगणना, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जैसलमेर है, कौन सा है, जैसलमेर। चौथ माता किस जनजाति के रहते हुए है, चौथ माता आपकी हो जाएगी कंजर की, किसकी हो जाएगी, कंजर की हो जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, दिलवाड़ा मंदिर है आबू पर्वत पे, ठीक है सब। राजस्थान के अरावली पर्वतों के निम्नलिखित चोटियों की उनकी ऊंचाई के आधार पर आयुक्रम अवस्थित करना था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा मित्रों, 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है, किस रेखा कर्क रेखा गुजरती है, तो 66 का 1 नंबर हो जाएगा, बांसवाड़ा डूंगर में गुजरती है, डूंगरपुर इस ऑप्शन में, यानी मेजाबंद किस नदी पे, कोठारी पे है, मेजाबंद कौन सी पे, कोठारी नदी पे हो जाएगा आपका सही दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ जी 68 है, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, तो ये वर्ष हो जाएगा आपका कौन सा, 1978 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ रहे हैं, प्राप्त हड़प्पा युगीन संस्कृति कालीबंगा में प्राप्त हुई थी दोस्तों, उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं, हाँ जी लेख मिले हैं आपके बेराट में, कहाँ मिले हैं, बेराट में दोस्तों। 71 नंबर देखेगा, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, तो ये युद्ध होता है कौन सा, खानवाग युद्ध, कौन सा होता है, खानवाग युद्ध होता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष कब प्रारंभ होती है, ये प्रारंभ होती है आपके 2007 में, कब होती है, 2007 में। आगे बढ़ रहे मित्रों, हाँ जी 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना भी भूलना। हाँ जी 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है, राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में ओशन कटबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं, तो बीकानेर नागौर आपका चूरू हो जाएगा, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ जी अब 74 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है ना, कौन सा युग्म सुमिलित हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 4 नंबर, कौन सा हो रहा है, 4321, 4321। पहले का आपका मिलान करना है सिर्फ 4 से, फिर आपको करना 3 से, ठीक है सब। तो आपका 74 का हो जाएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ कुल रियासतें थी, तो मत्स्य संघ कुल कितने रियासतें थी 75 का, हाँ जी कितने थी, 4 थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, 4। आगे बढ़ रहे हैं, आबू में जैन मंदिर विमल वसई के निर्माणकार हैं, तो विमल वसई के जो निर्माणकार है वो पूछे जा रहे हैं हमसे, तो राइट आंसर होगा विमल शाह, कौन होगा, विमल शाह। निम्नलिखित में 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मैक मोशन मारा गया था, मैक मोशन दोस्तों कब मारा जाता है, हाँ जी तो चेल्लावास युद्ध में, कब मारा जाता है, चेल्लावास युद्ध आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन, अजमेर नगर बसाया था, तो अजमेर नगर कौन बसाता है मित्रों, अजमेर नगर जो है ना वो बताता है अजयराज, कब बताता है, 1183 में। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, जयपुर के कौन से शासक का समय संगीताचार्य थे, समय संगीताचार्य पूछा जा रहा है, तो 79 का जो राइट आंसर हो रहा है मित्रों 1 नंबर हो जाएगा, प्रताप सिंह। गिद्ध नृत्य शेखावटी का है दोस्तों, कहाँ का है, शेखावटी का, हाँ जी। गण नृत्य प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ है, कौन है मित्रों, पद्मनाभ है, हाँ जी। आगे देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रामसेनी संप्रदाय की सिंहतल सांख्य के प्रवर्तक संत कौन थे दोस्तों, इसके संत जो प्रवर्तक संत है ना वो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे आपके, हरिराम जी दास हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, हरिराम दास हो जाएंगे, हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है, विवाह की जो रस्में हैं ना उनसे संबंधित कौन सा नहीं है, हाँ जी कर्ण वेद हो जाएगा, कर्ण वेद आपका 3 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कहा था, तो आश्रय स्थल कौन सा किला हो जाएगा आपका, हाँ जी कुंभलगढ़ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कुंभलगढ़ आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टि को होता है, तो कहाँ पे होता है, जयपुर शैली दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी 86 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है, त्रिलोकचंद माथुर का, तो ये राइट आंसर होगा आपका करौली प्रजामंडल, कौन से हो जाएगा, करौली प्रजामंडल हो जाएगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है, तो पोमचा से कौन सा हो जाएगा, पोमचा क्या एक वस्त्र है, 87 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन उसमें है, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान से शामिल नहीं थे, किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे, तो आपका राइट आंसर होगा बलूचिस्तान दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, 88 नंबर का आंसर बलूचिस्तान हो जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है मित्रों,
हाँ जी, 89 नंबर क्वेश्चन का जो है ना, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में यह उल्लेखित किया गया कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। तो मित्रों ये बताया गया है ना कौन से अनुच्छेद में है, ये हो जाएगा 361(2) में, 361(2) में थार्मोसर का आयोजन, थार्मोसर बाड़मेर में, कहाँ पर होता है दोस्तों, बाड़मेर में। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी करवा चौथ बताइएगा, करवा चौथ सभी को पता ही दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर है, 93 नंबर, 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मिठालाल मेहता हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मिठालाल मेहता का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है ना वो हो जाएगा ओपी मेरा शिवचरण माथुर दोस्तों, क्या हो जाएगा 95 का एक नंबर राइट है हो जाएगा आपका, हाँ जी। 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 94 की किस धारा के तहत राज्य सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित कर नहीं सकती है, तो 94 अनुच्छेद हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 94 हो जाएगा, हाँ जी। 97 देखिएगा, 97 का जो आंसर है ना, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा कार्य में भाग ले सकता है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 नंबर हो जाएगा। सभी दोस्तों का धन्यवाद, अंतिम देखने के लिए थैंक यू सो मच।